हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल एस क्रिकेट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप के मैच नंबर 25वें की, जो कि खेले जाने वाला है इंडिया वर्सेस यूएसए के बीच में। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मैच है वो सेम ग्राउंड पे खेला जाएगा, न्यूयॉर्क के स्टेडियम पे। ठीक है, सेम ग्राउंड का मतलब कि जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था उसी ग्राउंड पे, जहाँ पे साउथ अफ्रीका वर्सेस जो है बांग्लादेश का मैच हुआ था, और यहाँ पे जितने भी मैचेस हुए हैं वो सारे के सारे लो इनकाउंटर मैच हुए हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टीम है ये एक ऐसी टीम है दोनों ही, कि ये एक स्ट्रॉन्ग टीम है। इधर अगर आप टीम इंडिया की बात करते हैं, चाहे वो बैटिंग लाइनअप की हो या बॉलिंग लाइनअप की हो, वहीं अगर यूएसए की बात करें तो इंडिया के सामने यूएसए जो है वो थोड़ा वीक टीम है। और सबसे बड़ा जो है आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा जब यूएसए की बॉलिंग आएगी उस टाइम पे। ठीक है, यूएसए भले ही इस लीग में, इस जो इन लोगों का चार लोगों पूल है, यूएसए भले ही इस पूरे पूल में थोड़ा डोमिनेट कर किया है अगर पाकिस्तान के ऊपर बात करें हम तो, लेकिन इनमें इतना स्टेमिना या इतना पोटेंशियल आप नहीं देख सकते हैं कि ये जो है टीम इंडिया को जो है पछाड़ दें। क्योंकि टीम इंडिया जिस तरीके के बल्लेबाज हैं, जिस तरीके के गेंदबाज हैं, जिस तरीके के लय में हैं, वो डेफिनेटली जो है वार करने वाली हैं। तो आपको जब आप इस मैच में के लिए टीम बनाएंगे ना, तो एक टीम आप ऐसे भी बनाइएगा जो स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक का हो। स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक का मतलब कि यहाँ से आपको ले लेना है 8 प्लेयर और यहाँ से लेना है 3 प्लेयर, और इस 8 प्लेयर में मोस्ट ऑफ द प्लेयर ऐसे होने चाहिए जो बॉलर हो। ठीक है, यानी 4 से 5 बॉलर लेके चलना है। ठीक है, जब आप जो है इस 8 प्लेयर के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो, ठीक है, तो इस तरीके का कुल टीम बनाना है। बने रहेगा इस वीडियो में, हर एक पहलू पे मैं बात करूँगा। ठीक है, कौन से प्लेयर को लेके चलेंगे, वो 8 प्लेयर जो है कौन कौन से हो जाएंगे, इन 3 प्लेयरों अगर यूएसए की बात करें तो कौन से ऐसे 3 प्लेयर हैं जिनको आप पिक कर सकते हैं, ये सब कुछ जो है इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो में हर रोज़ जो है वर्ल्ड कप की लेके आता रहता हूँ। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाइएगा। इसी वीडियो के नीचे यहाँ पे मोर का ऑप्शन आएगा, मोर के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे टेलीग्राम का लिंक ओपन होके आ जाएगा। टेलीग्राम के लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे ज्वाइन का बटन होगा, जाके सिंपली आप ज्वाइन हो सकते हो। ज्वाइन होने का एकमात्र फ़ायदा, आपको सबसे बड़ा फ़ायदा मैं बता दे रहा हूँ कि जो है जिस GL के या जिस SL की टीम के साथ मैं खेलता हूँ वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। साथ ही पिच रिपोर्ट कैसी है, पिच दिख कैसे रही है, क्यूरेटर्स का क्या कहना है, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, कौन सी पॉसिबल प्लेइंग 11 होने वाली है, ये सब कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूँ। तो जाइए फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री में। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और सबसे पहले समझते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, लास्ट के मैचेस में मैंने आपको जो है अपनी वीडियोस में बताया है कि ये एक ड्रॉपिंग पिच है, आई हुई है एडलेट के ग्राउंड से। ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल फिट कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि 2-pace wicket है, कभी बॉल नीचे रहती है, कभी ऊपर उछलती है, कभी जो है इन स्विंग होता है, कभी आउट स्विंग होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है बॉलर्स के लिए। ठीक है, और बेसिकली अगर हम देखें तो अभी तक यहाँ पे खेले गए 4 मैचेस की तुलना करिए आप, तो किसी भी मैच में 150 से ऊपर रन नहीं बना हुआ है। साउथ अफ्रीका इंडिया जैसी टीम जो है यहाँ पे 120 रन के अंदर सिमट जा रही है। तो अगर आप हाई स्कोरिंग इनकाउंटर की तरफ जा रहे हैं, हाई स्कोरिंग इनकाउंटर रिज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो चीज़ यहाँ पे होने वाली नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल लो स्कोरिंग इनकाउंटर रह रहा है। उस लो स्कोरिंग इनकाउंटर में बहुत ज़्यादा जो है मदद मिल रहा है किसको, वो है पेसर बॉलर। आप देखिए यहाँ के लास्ट के 4 मैचेस में आपको दिखेगा कि 45 विकेट है, 45 विकेट्स हैं यहाँ पे अभी तक खेले गए इन मैचेस की अगर तुलना करें तो। साउथ अफ्रीका ने लास्ट के मैच में, जो कल मैच हुआ था, उस मैच में 113 रन बनाया था 6 विकेट के नुकसान पे, और बांग्लादेश जो है 113 रन नहीं बना पाई, 4 रन से ये मैच जीत गए, 109 रन ही बना पाई 7 विकेट के नुकसान पे। इस मैच में भी आप देखेंगे तो पेसरों ने लिया हुआ है 9 विकेट। ठीक है, पेसरों ने लिया हुआ है 9 विकेट और स्पिनरों ने लिया हुआ है यहाँ पे 4 विकेट, वो भी यहाँ पे जो 3 विकेट दिख रहा है आखिरी के 2 ओवर में 2 विकेट केशव महाराज को मिल गया था, इसलिए यहाँ पे जो है आपको स्पिनर को यहाँ पे 3 विकेट मिल दिख रहा है, नहीं तो यहाँ जो है अंक और कम होता और जो है आपको यहाँ पे
दिखता कि कितना विकेट मिला हुआ है। और बाकी सारे मैचेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो आपको जीरो विकेट ही दिख रहा है, यहाँ पे तीन विकेट दिख रहा है, यहाँ पे दो विकेट दिख रहा है। बाकी अगर पेसर बॉलर की बात करें तो यहाँ पे 14 विकेट है, यहाँ पे भी आपको 14 विकेट दिखेगा, यहाँ पे 13 विकेट दिखेगा, यहाँ पे 9 विकेट दिखेगा। अल्टीमेटली अगर आप बात करेंगे तो फर्स्ट इनिंग में पेसरों को बहुत ज़्यादा विकेट मिला हुआ है, सेकेंड इनिंग में भी पेसरों को विकेट मिला हुआ, लेकिन कंपेयर टू द फर्स्ट इनिंग थोड़ा कम विकेट मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ सिनारियो रहने वाला है। अगर इस ग्राउंड के स्टैट्स की हम बात करें तो अभी तक खेले गया यहाँ पे 6 मैच है, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 मैच जीती है, बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम भी 3 ही मैच जीती हुई है, ठीक है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 6 मैच हुए हैं, 6 के 6 मैच जो है 150 से नीचे रन बना हुआ है, और एवरेज स्कोर की बात करें तो 100 से 120 रन का एवरेज स्कोर है। ऐसा कोई पिच नहीं होगा जहां पे एवरेज स्कोर भाई 100 से लेके 120 रन के बीच में हो, ठीक है। हाईएस्ट टोटल की अगर हम बात करें तो 137 रन है 7 विकेट के नुकसान पे, और लोवेस्ट टोटल की बात करें तो 77 रन 10 विकेट के नुकसान पे देखा गया है। तो किस टाइप के बॉलरों को विकेट यहाँ पे मिलता है, कौन से ऐसे बॉलर हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे आज के मैच के लिए, ये मैं आपको जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए देख लेते हैं कि किस टाइप के बॉलर को यहाँ पे विकेट मिला हुआ है। तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 8 विकेट और सेकेंड इनिंग में 1 विकेट है। लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट और सेकेंड इनिंग में 5 विकेट है। राइट आर्म फास्ट बॉलर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 34 विकेट, सेकेंड इनिंग में 21 विकेट है। और राइट आर्म स्पिनर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट और सेकेंड इनिंग में 4 विकेट देखा गया। तो बेसिकली अगर आप बात करेंगे तो स्पिनरों को यहाँ पे कम मदद मिला हुआ है। आप देखिए यहाँ पे टोटल 34 और 21 विकेट यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में राइट आर्म पेसर, और यहाँ पे भी 9 विकेट जो है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, ठीक है। यानी आपको हद से ज़्यादा विकेट जो है यहाँ पे पेसरों को ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए मुकाबले की, हेड टू हेड मुकाबले की। तो अभी तक यूएसए वर्सेस इंडिया के बीच में एक मुकाबला खेला गया है, और एक मुकाबला जो है यहाँ पे इंडिया ने जीता है। यूएसए अपना आखिरी मैच जो है जीत के आ रही है, वहीं इंडिया की बात करें तो लगातार अपना 4-5 मैच जीत के हुई आ रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा इंडिया के पॉसिबल प्लेइंग 11 की, क्या होने वाली है पॉसिबल प्लेइंग 11। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली ओपनिंग करने आते हैं, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और सिराज, जसप्रीत बुमराह और अर्षदीप सिंह, ठीक है। ये पॉसिबल प्लेइंग 11 होने वाली है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ये सारे प्लेयर हैं जो अपना प्रभाव डालेंगे, ठीक है। अगर टॉस जीत के टीम इंडिया पहले, मुझे ऐसा लगता है कि पहले करेगी बॉलिंग अगर टॉस जीतती है तो, या फिर यहाँ पे जो भी टॉस जीतता है वो बॉलिंग ही करेगा, मेरा मानना ये है। अगर टीम इंडिया बॉलिंग करती है तो उस टाइम पे हार्दिक पांड्या, सिराज, बुमराह और अर्षदीप, ये चारों का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इन चारों में से ही आपको कैप्टन या वाइस कैप्टन चुन के चलना है, क्योंकि ये चारों डेफिनेटली यूएसए की टीम को यहाँ पे कम में रोकेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रन बनेगा तो 120 से लेके 130 रन बन सकता है, इतना ज़्यादा मतलब मैक्सिमम, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये मैक्सिमम एक्सीडिंग लिमिट है, इससे ज़्यादा तो बनना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ रहेगा, और इस सिनारियो में जब 120 रन बनेगा तो 7 से 8 विकेट से कम नहीं गिरेगा, हो सकता है कि टीम ऑल आउट भी हो जाए, और उस सिनारियो में कोई ना कोई ऐसा बॉलर इनमें से ज़रूर होगा जो 3 से 4 विकेट ले सकता है। तो वो कौन से ऐसे बॉलर हैं जो 3 से 4 विकेट लेंगे, ये पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद स्टैट्स के साथ। अभी हम बात कर लेते हैं कि कौन स्टार्टिंग ओवर में फेंकेगा और कौन एंडिंग ओवर में फेंकेगा। तो स्टार्टिंग ओवर फेंकते हैं अर्षदीप पहला, तीसरा और पांचवा ओवर, सिराज फेंकते हैं दूसरा और चौथा ओवर, जसप्रीत बुमराह को एक ही ओवर स्टार्टिंग में कराया जाता है। डेथ ओवर की बात करें हम तो सिराज फेंकते हैं 16वां और 18वां ओवर, अर्षदीप सिंह फेंकते हैं 17वां ओवर, और जसप्रीत बुमराह फेंकते हैं 18वां और 20वां ओवर। एक ओवर जो है जसप्रीत बुमराह को बीच में कराया जाता है। अब वहीं हम बात करें बैट्समैनों की, तो रोहित शर्मा का फॉर्म देखिए, लास्ट के मैच में 52 रन बनाया था भले, लेकिन रिसेंट फॉर्म कुछ खासा है नहीं, ठीक है। विराट कोहली की बात करें तो इनका भी मतलब यहाँ पे अभी 2 मैच खेले हैं, दोनों ही मैच में इतने अच्छे दिखे नहीं हैं, ठीक है। अगर आप बात करेंगे एज अ बैट्समैन तो सिलेक्शन परसेंटेज भले यहाँ पे 75% दिख रहा है और यहाँ पे 81% दिख रहा है, और ये मोस्ट प्रोबेबली आने वाले टाइम पे इंक्रीज भी होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों में से अगर टीम इंडिया पहले सेकेंड गेंद बल्लेबाजी करती है, सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है, तो आप ये एज्यूम करके चल सकते हैं कि 9 से 10 विकेट से टीम इंडिया इस मैच को जीतेगी। अगर ये सिनारियो रहा 9 से 10 विकेट से टीम इंडिया अगर मैच जीत रही है तो आपको बहुत ज़्यादा नीचे बल्लेबाज लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आप रोहित शर्मा को लीजिए, विराट कोहली को लीजिए और ऋषभ पंत को ले लीजिए, ठीक है।
इन तीनों, ये तीनों मिलके जो है कमाल कर जाने वाले हैं सूर्य कुमार यादव की जो है, मुझे ऐसा लगता है कि बारी नहीं आने वाली है कल के मैच के लिए। अगर एक टीम तो आपको ऐसी बनानी ही बनानी है अगर आप जो है इस टाइप के थिंकिंग रख रहे हैं, जैसा कि अभी लास्ट के मैच में आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का हाल हुआ था, वहाँ पे 2 विकेट गिर के टीम इंडिया मैच को जीत ली थी और सूर्य कुमार यादव जस्ट आए ही थे तब तक टीम इंडिया जो है मैच को जीत लिए। ठीक है, तो सूर्य कुमार यादव को मैं अपनी टीम में नहीं रखने वाला हूँ। बात करते हैं शिवम दुबे की, तो इनको भी अपनी टीम में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, हार्दिक पांड्या की बात करें तो इनको, इनके साथ जाएंगे हम, 95% सिलेक्शन रेशियो है। ठीक है, और ये 2 से 3 विकेट लेते हुए दिख भी सकते हैं, जिस तरीके की वहाँ पे 2 पेस विकेट है इनको विकेट मिल भी सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप इनको अपनी टीम में एज अ ऑलराउंडर लेके चलिएगा। रविंद्र जडेजा की बात करें तो मैं अपने इस मैच में इनको नहीं लेके चलने वाला हूँ। लास्ट का मैच बहुत ही खराब रहा था, उसके पहले भी बहुत खराब रहा था, 18% सिलेक्शन रेशियो, डेफिनेटली आप इनको ड्रॉप करके चलिएगा। अक्षर पटेल कंपेयर्स टू द रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल को लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि ये गेंदबाजी में आपको विकेट लेते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे भी 1 विकेट लिया था, उसके पहले भी 1 विकेट लिया था, उसके पहले भी 1 विकेट दिख रहा है। वेन्यू पे 1 मैच में 20 रन बनाया भी है और 2 मैच में 2 विकेट भी लिया है, तो आप इनके साथ जो है एज अ ऑलराउंडर जा सकते हैं। जसप्रीत बुमराह की बात करें तो आपको इनको अपनी टीम में रखना ही रखना है, कैप्टन या वाइस कैप्टन भी आप इनको बना के चल सकते हैं। मोहम्मद सिराज भाई एक बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा प्लेयर है, 49% सिलेक्शन रेशियो है, सी या वीसी का प्रबल दावेदार है आने वाले मैच में, क्योंकि लास्ट के मैच में इनको विकेट नहीं मिला हुआ है, 0 विकेट है, उसके पहले 1 विकेट है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मैच में इनको 2 से 3 विकेट ज़रूर मिलने वाले हैं। तो अगर आप इनको चाहते तो डेफिनेटली आप इनको अपनी टीम में ज़रूर रखिएगा। अर्षदीप सिंह की बात करें तो लास्ट के मैच में 1 विकेट मिला हुआ है, 84% सिलेक्शन रेशियो है। ठीक है, तो आप जो है अर्षदीप सिंह के साथ जा सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि इनको विकेट मिलेगा ही मिलेगा, और डेफिनेटली ये चांस है, इनका डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगे और मिडिल ओवर में स्टार्टिंग ओवर में बॉलिंग करेंगे तो इनको विकेट मिल सकता है। एक ही तरीका है विकेट नहीं मिलने का, क्योंकि अगर यूएसए जो है बहुत जल्दी ऑल आउट हो जाती है तो इनको हो सकता है कि विकेट ना मिले ज़्यादा। ठीक है, अदरवाइज इनको विकेट मिलेगा ही मिलेगा, 102 विकेट। अब हम बात करते हैं यूएसए के पॉसिबल प्लेइंग 11 की। तो यूएसए की पॉसिबल प्लेइंग 11 में स्टीवन आते हैं, मोनंक आते हैं, गस आते हैं, एरोन आते हैं, और जो है कोरी एंडरसन आते हैं, नीतीश आते हैं, हरमीत आते हैं, ठीक है, कैंजिगे आते हैं, फिर जो है आपके जसदीप आते हैं, सौरभ आते हैं, अली खान आते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ से इफेक्टिव खिलाड़ी कोई होगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोरी एंडरसन हो सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मनन पटेल हो सकते हैं, ठीक है, और गस भी हो सकते हैं अगर आप बात करेंगे बैटिंग ऑर्डर की तो। ठीक है, क्योंकि ये प्लेयर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्लेयर्स जो है कल थोड़ा लंबी इनिंग खेल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इन प्लेयर्स में से कौन स्टार्टिंग ओवर में बॉलिंग करता है, कौन डेथ ओवर में। तो यहाँ पे जो है कैंजिगे जो है पहला और तीसरा ओवर फेंकते हैं, ठीक है, और जो है नटरेकर वालकर जो है दूसरा, चौथा और छठा ओवर, और अली खान पाँचवा ओवर फेंकते हैं। वहीं अगर डेथ ओवर की बात करें तो जो है जसदीप 16वां ओवर, कोरी एंडरसन 17वां ओवर, अली खान 18वां और 20वां ओवर, और जो है आपके नेटरकल जो है आपके 19वां ओवर फेंकते हुए नज़र आएंगे। तो ये कुछ हिसाब है जो लास्ट के मैच में ऐसे इन्होंने जो है पैटर्न फॉलो किया था। अब हम बात कर लेते हैं बैट्समैनों की। तो स्टीवन की बात करें तो जो है यहाँ पे 12 रन बनाया था स्टीवन ने, ठीक है। मोनन की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये प्लेयर ऐसा है जो इस मैच में चल सकता है। स्टीवन की बात करें तो आपको, अगर आपको रिस्क लेना है तो आप स्टीवन के साथ जाइएगा, मोनंक को ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई विकेट गिरेगा ही गिरेगा, तो इस सिनारियो में आप जो है मोनंक को ड्रॉप करके चल सकते हैं। गस की बात करें तो एक अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, आप जो है गस के साथ या इन दोनों में से किसी एक को आपको अपनी टीम में रखना होगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि गस के साथ मैं जाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, 39% सिलेक्शन रेशियो है। बाकी मेरी फाइनल टीम में जो है हो सकता है कि जॉन्स भी हो, लेकिन जॉन्स का लगातार 2 मैच से अच्छा प्रदर्शन है, इसलिए जो है मैं जॉन्स को अपनी टीम से ड्रॉप करने का सोच रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जॉन्स गस की जगह आप जो है जॉन्स को ले सकते हैं तो आप डेफिनेटली जॉन्स के साथ जाइएगा, बट इन दोनों को रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप जो है यूएसए की टीम से होने वाली नहीं है। कोरी एंडरसन को रख सकते हैं क्योंकि एज अ बैट्समैन नहीं तो एज अ बॉलर आपको विकेट दे सकते हैं। नीतीश की बात किया जाए तो 6% सिलेक्शन रेशियो है, जीएल की टीम में इनको ड्रॉप करके चलने वाला हूँ। हरमनप्रीत की बात किया जाए तो जो है लास्ट के मैच में इनको विकेट नहीं मिला था, उसके पहले 1 विकेट है, 15% सिलेक्शन रेशियो है, ठीक है, तो आप जो है इनके साथ हरमनप्रीत हरमीत के साथ जा सकते हैं, या जो है आप जो है कैंजिगे के साथ जा सकते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पे जो है
इनको सफलता मिलने वाली है। 37% जो है रेशियो है सिलेक्शन परसेंटेज का, तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसदीप की। तो जैसदीप लास्ट के मैच में एक विकेट है, उसके पहले जीरो विकेट, 7% सिलेक्शन रेशियो है, तो जो है आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। सौरभ की बात किया जाए तो ये एक ऐसा प्लेयर है जो अंडर 19 जो है टीम इंडिया के खिलाफ टीम इंडिया से खेला हुआ है, पाकिस्तान के खिलाफ 66% सिलेक्शन रेशियो है, तो एज अ बॉलर आप जो है सौरभ को अपनी टीम में रख सकते हैं। अली खान की बात किया जाए तो 17% सिलेक्शन रेशियो है, एक सेफ पिक है, एक विकेट यहाँ भी, एक विकेट है, तीन विकेट है, तो बहुत ज़्यादा विकेट तो नहीं लेते हैं, लेकिन एक से दो विकेट यहाँ पे इनको देखा गया है लेते हुए। तो इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन होने वाला है अगर आप जो है यूएसए की टीम की बात करेंगे। तो अब आइए हम देख लेते हैं कि किस तरीके की स्ट्रेटेजी के साथ जो है आपको किस तरीके की टीम बनानी चाहिए। अब हम पहले हम लेते हैं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि टीम इंडिया टॉस जीतती है और टॉस जीत के पहले बॉलिंग करती है, तो आपको क्या लेना है, कम से कम 4 से 5 बॉलर लेके चलिएगा। अब इन 5 बॉलर में आपको सिराज को लेना है, ठीक है, बुमराह को लेना है, और आपको अर्शदीप को लेना है, ठीक है, और यहाँ पे आप जो है सिराज, बुमराह, अर्शदीप, और यहाँ पे आपको सौरभ को लेना है, ठीक है, सौरभ के साथ जा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप 4 ही बॉलर के साथ जाइएगा, और उसके बाद जो है आपको 2 से ऑलराउंडर के साथ जाएंगे। एक ऑलराउंडर तो आपका हार्दिक पांड्या हो गया, और दूसरा ऑलराउंडर आपका अक्षर पटेल हो जाएंगे, या फिर अगर आपको इधर से लेना है कोई, तो इधर से कोई दिख नहीं रहा है, कोरी एंडरसन को आप ले सकते हैं एज ऑलराउंडर, ठीक है, या फिर कोरी एंडरसन को आप ले सकते हैं, कोरी एंडरसन को, ठीक है। तो यानी आपको 4 से 6 प्लेयर हो गए, और फिर उसके बाद 2 विकेट कीपर के साथ आप जा सकते हैं, उसमें होंगे ऋषभ पंत, ठीक है, और उसमें होंगे आपके पटेल, ठीक है, तो 8 प्लेयर हो गए। और 3 जो है आपको बैट्समैन लेना है, और 3 बैट्समैन कौन से होने चाहिए, यहाँ पे रोहित शर्मा है, ठीक है, यहाँ विराट कोहली हैं, और एक प्लेयर आपके या तो गस को ले लीजिए आप, या फिर जो है आपके बहुमा के हमशक्ल दिखने वाले एरन जोन्स को लेके चल सकते हैं, ठीक है, एरन जोन्स को लेके चल सकते हैं। अब इस सिनारियो में आप देखिए कि एरन जोन्स ये आपके एक प्लेयर हो गए, यहाँ पे एक प्लेयर जो है आपके यूएसए के यहाँ पे हो गए, और एक प्लेयर आपके यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन से हो गए, ठीक है, यानी 3 प्लेयर आपको दिख रहे हैं जो यूएसए की तरफ से हो गए हैं, और जो है आपके 8 प्लेयर जो है आपके टीम इंडिया की तरफ से हो गए हैं। अब इसमें जो है कैप्टन या वाइस कैप्टन का प्रबल दावेदार मुझे ऐसा लग रहा है कि सिराज को मैं कल वाइस कैप्टन बना के चल सकता हूँ, यहाँ पे जो है आप अर्शदीप को भी वाइस कैप्टन या कैप्टन बना के चल सकते हैं, आप जो है हार्दिक पांड्या को भी कैप्टन या वाइस कैप्टन बना के चल सकते हैं। तो ये कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशन के साथ जो है आप अपनी टीम बना सकते हैं। अगर टीम इंडिया पहले टॉस जीतती है और टॉस जीत के पहले फील्डिंग करती है, तो ये एज्यूम किया हूँ मैं कि यहाँ पे आपको बॉलिंग सेक्शन जो स्कोर है वो बहुत कम बनने वाला है, कम का मतलब कि 100 रन के अराउंड रन बनेगा, तो उस 100 रन में आपको बैट्समैन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपको लॉस होने वाला है, उसमें आपको बॉलर से ही लेना है, क्योंकि एक बॉलर एक विकेट लिया तो 30 पॉइंट बनेगा, और 30 पॉइंट आपके जो है बैट्समैन तभी बना पाएंगे जब ये 20 से 25 गेंदें खेलें, ठीक है, एटलीस्ट 30 रन बनाएं, ठीक है, तो आपको कम से कम 30 पॉइंट मिलेगा, अदरवाइज एक चौका एक छक्का मारने पर अलग पॉइंट मिलता है, लेकिन 30 रन बनाना पड़ेगा तब जाके यहाँ पे 30 पॉइंट मिलेगा। अब 30 रन बनाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ टास्क है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा कि लास्ट के कुछ मैचेस में यहाँ पे अगर टीम इंडिया की बात करें तो 42 रन हाईएस्ट था, ठीक है, अगर आपको जो है साउथ अफ्रीका की टीम की बात करें तो यहाँ भी कुछ आपके 40 या 42 रन हाईएस्ट थे क्लासन के, वहीं अगर हम बात करें बांग्लादेश की टीम की तो तोहित हिरदोर का जो है 32 या 33 रन हाईएस्ट था, यानी इससे ज़्यादा हाईएस्ट रन मतलब गेटर यही है, ठीक है, नॉर्मली। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई बॉलर एक विकेट ले रहा है तो आप उसको अपनी टीम में ज़रूर रखिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है। तो इसलिए बॉलिंग सेक्शन या बॉलर्स को आपको ज़्यादा लेके चलना है, कम से कम आपके टीम में 6 बॉलर तो होने ही चाहिए अगर आप जो है जीएल जीतना चाहते हैं तो, ठीक है। तो आई थिंक आइए वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में जाके, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही मैं सारी इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें जो है अहम चीज़ें टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूँ, तो जाइए फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि इस चैनल पे आपको कभी भी धोखाधड़ी नहीं मिलेगी, ये चैनल इतना ऑथेंटिक है मैं आपको बता दूँ
कि यहाँ पे वही टीम शेयर की जाती है जिस टीम के साथ मैं खेलता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं करोड़ रुपए जीतने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली आप जिस तरीके से आपने थ्रू आउट द IPL मुझे देखा है कि मैंने जो है वहाँ पे लगातार हर एक मैच में विनिंग किया हुआ है, और आपको भी मैं आपके साथ भी शेयर किया हूँ। शेयर करने का जो है एकमात्र उद्देश्य ये है कि जिन भाइयों और बहनों को जो लगता है कि ये GL जीता नहीं जा सकता, SL जीता नहीं जा सकता, प्रॉफिट में रहा नहीं जा सकता, तो मैंने ये बस आपको बताया है कि हाँ, अगर आप जो है एक बेहतरीन नॉलेज के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली जो है आप प्रॉफिट में रहेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है, दूसरों की तरह लॉस में नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप जो है एवं ही किसी की दी भी बिल्कुल टीम जो है एज इट इज़ लगा दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप लॉस में जाएंगे। उसमें आप एक आध दो चेंजेस करिए अपने रणनीति के अनुसार और आप जो है अपनी टीम को लगाइए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।